तो चलो आज कहते हैं इस सफर को गुड बाय। आज अपना राइड खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो आज है अपना आखिरी राइड का आखिरी ब्लॉक जहाँ पे हम जाएंगे घर वापस। तो बाइक पूरा पूरा सेट है, लगेज पूरा माउंटेड है अच्छे से, एयर फ्यूल सब चेक्ड है। तो हम निकलते हैं मस्त यहाँ से फटाक से, रास्ते पे मिलते हैं। चलो निकलते हैं लेके गणपति बप्पा का नाम, गणपति बप्पा मोरिया लोकरिया। चलो बाइक तो ये जो जगह थी एक्चुअली इसका नाम था पापी चिलो मोरियम, जहाँ पे मैं 7 दिन रहा। जे के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छा से था, शांत था, पीसफुल था, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी है उस वजह से यहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लोग भी कम थे। आज होली है उस वजह से बहुत ज्यादा लोग है, क्योंकि पार्टी वगैरह का सीन है। बट अदरवाइज ये जगह बहुत सही है, मतलब आके आप चिल करो, दिन भर रूम पे भी पड़े रहते हो ना, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि शांति रहती है। क्या बोलूँ यार, आज कुछ बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है आज, क्योंकि हो गए 7 दिन, कैसे निकले कुछ पता नहीं चला। एक्चुअली यही सीन होता है जब आप राइड पे होते हैं ना, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस वक्त वक्त का तकाजा नहीं रहता, वक्त का खत्म होता है, संपदा ही नहीं चलता, वो अपनी रफ्तार से भागते रहता है, बट अपने को लगता है कितना जोर से भाग रहा है, तो वो खत्म हो जाता है। फिर हम सोचते कह रहे यार अभी बैक टू लाइफ, बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ एंड ऑल दैट, वो लाइफ ऐसी है वैसी है, बट वैसा सीन नहीं है, वो लाइफ भी अच्छी है, सब लाइफ अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही अच्छा है और वो बुरा है एंड ऑल दैट। तो ऐसा मत सोचो, एंजॉय करो जो मोमेंट है अपने पास, वो एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि मेरे को वो ये सेपरेट मोमेंट ही चाहिए, वही मोमेंट मेरे को बार बार जाना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू करते रहोगे ना तो भाई बोर हो तो जाना हो ही जाना है। फिर आप अगर बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ ट्रैवल ही करना है और सिर्फ ट्रैवल ही करते रहोगे, तो एक वक्त के बाद ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी बैक टू नॉर्मल होते हैं, फिर उसका फिर से रिस्टार्ट लगेगा। इसलिए तो पीसी को रिस्टार्ट लगता है ना, क्योंकि वो एक काम करते करते थक जाता है, बोर हो जाता है, क्या मस्त मुर्गा था। चलो फिर अभी डायरेक्ट हाईवे पे मिलते हैं, तब तक हम ये टाउन वगैरह जो क्रॉस कर लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत रहेगी, बार बार रुकना पड़ेगा, वो अपने को पसंद नहीं है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो अभी जस्ट एक ब्रेक लिया था, कॉफ़ी ब्रेक लिया छोटू सा एक, ताकि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए गाड़ी को भी और मुझे भी। बहुत ज़्यादा फास्ट आ गया एक्चुअली में, अच्छा खासा दिन के एक 1.5 घंटे में तो गोवा बेस से, सॉरी गोवा से यहाँ अंबोली घाट में पहुँचाऊँ। मस्त यहाँ पर 5-10 मिनट रुकते हैं यहाँ से, व्यू थोड़ा इन्जॉय करते हैं। देखो सन कितना सही हो रहा है, कड़क भी हो रहा है यार, एक नंबर। चलो यहाँ पे अभी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और फिर आगे डायरेक्ट गोवा बेस पर रुकते हैं। चलो तो अपना जो सेकंड स्टॉप था वो था एक्चुअली गोवा वेस्ट होटल था, ये रहा वो गोवा वेस्ट होटल। और ये अच्छा खासा ब्रेक हो गया था, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का ब्रेक हुआ, अब मैं पहुँचा 7:10 को और अभी हो रहा है 7:58, हो गया मतलब ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का ब्रेक हो गया अच्छा खासा, क्योंकि बाइक को थोड़ा सा यार शांति चाहिए ना, क्योंकि एक तो घाट में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दी से जल्दी घाट को अंधेरा होने से पहले ख़त्म करना था, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो उसके बाद घाट ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसमें सीन ऐसा होता है कि फिर दिखता कुछ नहीं है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, उसमें अपना जो हेडलाइट है वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस वजह से कुछ भी नहीं दिखता। तो लिटरली जब तक अंधेरा होने से पहले अगर हम घाट क्रॉस कर ले, घाट और थोड़ा बहुत उसके बाद टाउन साइड है वो पूरा, तो वो क्रॉस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि फिर कैसे, यहाँ तो फिर पूरा का पूरा हाईवे ही है, तो टेंशन नहीं है, आप आराम से नॉर्मली चल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये होगा अपना सेकंड स्टॉप, अभी अपना थर्ड स्टॉप रहेगा होटल, एक होटल है शिवराज ढाबा करके, वहाँ पर मसूर दाल की सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती है, मसूर दाल एंड रोटी वगैरह। तो अभी क्योंकि अभी खाने भूख तो लगी है, यहाँ पर खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, भूख है रिजन तो खाने की इच्छा नहीं होती, तो अभी नेक्स्ट स्टॉप लेते हैं डायरेक्ट शिवराज ढाबा का, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है कराड़ में, तो वो एक स्टॉप रहेगा। बीच में फ्यूल अगर अच्छा किधर मिला तो वो एक स्टॉप मार लेंगे बस, फिर इतना ही स्टॉप, ज़्यादा स्टॉप स्टॉप करते रहेंगे तो फिर घर पर पहुँचने को टाइम लगेगा, क्योंकि
होटल यहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, और उसके बाद फिर घर वहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस पे, तो ऑलमोस्ट अगर ये कैलकुलेशन लेके चलूँ तो घर पे तो पहुँचने को 2 बज जाएंगे। तो इसलिए उसको उससे और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। और अभी सामने अगर आप देखोगे तो मस्त लाइट वाइट दिख रही है, तो ये बहुत सही व्यू आएगा एक्चुअली। पूरा ये रोड साइड है और वहाँ से पूरा लाइट वाइट दिख रही है, तो ये थोड़ा बहुत तो शूट करते हैं और फिर निकलते हैं अच्छा खासा। अब तक तो जर्नी जो रही वो एक्चुअली बहुत अच्छी रही, इतना मतलब ये मेरे ऑनेस्ट वर्ड्स है। अब तक मैं तीन बार आ चुका गोवा, 4 महीने में, सॉरी सितंबर में IBW, देन जनवरी में दोस्तों के साथ, फरवरी शांत गया, लेकिन फिर मार्च में सोलो ट्रिप। तो इन तीनों ट्रिप में से जो सोलो ट्रिप रही ना वो सबसे बेस्ट ट्रिप रही मेरी, क्योंकि इसमें मैंने जो जो करना था सब कुछ किया। हाँ तो कुछ चीज़ें बच गई बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, पर ठीक है वो नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत एक टाइप से दूसरा घर ही हो गया, तो वो तो चलते ही रहेगा, उससे तो इशू नहीं है। बट जो सोलो राइड में जो मज़ा आया ना, जो जो चीज़ें एक्सप्लोर की करी, जो जो चीज़ें बकेट लिस्ट में थी उसमें से ऑलमोस्ट सारी कर चुका हूँ, अभी बचा कुछ भी नहीं है, देखते बाकी आगे कैसे कैसे होता है। तो अभी नेक्स्ट ट्रिप जो रहेगा वो तो उसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्क पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना उधर प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना मतलब हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो वो तो नहीं होने देंगे। हाँ तो चलते, अभी नाइट राइड का थोड़ा बहुत शूट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले घाट में कुछ भी शूट नहीं, क्योंकि वहाँ से जल्दी निकलना था। अम्बोली घाट में जब रुका मैं एक चाय बोल रहा कॉफ़ी शॉप के लिए, तो वहाँ से कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए और एक शॉर्ट क्लिप भी बनाया, तो वो भी वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं अच्छे से आपको, जैसे आपने वो भी एक देखते हैं और आगे आगे क्या क्या होता है वो सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी चलो अभी चलते हैं यहाँ से पटपट एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके, क्योंकि अभी रुकना नहीं है और शॉर्ट से भाग जाना है स्पीड से, ताकि अच्छे से अपना डिस्टेंस टाइम में ख़त्म हो सके, क्योंकि घाट मैंने बहुत अच्छे से वो कंटिन्यू स्पीड रख के कवर किया है, तो उससे अच्छा तो ये रोड कई गुना बेटर है, तो यहाँ पे तो उससे अच्छी स्पीड कवर होनी चाहिए। तो चलो वही कवर करते हैं और फिर निकलते हैं आगे, मिलते हैं पेट्रोल पंप पे अगर भी बीच में मिला तो। वैसे बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे, उसका कोई टेंशन नहीं है, फ्यूल अप कर लेंगे और फिर आगे खाना खा के अपना घर पे बैक टू होम, फिर उसका देखते हैं आगे की राइड का क्या सीन है। चलो तो अब एंट्री हो चुकी है सातारा डिस्ट्रिक्ट कराड़ तालुका में, जो होटल है एक्चुअली कराड़ में आता है मेन सिटी में। तो अभी डिस्टेंस बचा है 5 किलोमीटर्स और टाइम बचा है 11 मिनट, तो चलो चलते हैं। और यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा खासा रहा, कोई टेंशन नहीं, स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन हुई, ऑलमोस्ट 90-100 ही चलाऊँ, तो उस वजह से टोटल डिस्टेंस हो गया अब तक 234 किलोमीटर और एवरेज स्पीड रही है 53 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम हो गया है 4 hours and 21 minutes। तो ये सिर्फ राइड का टाइम है, उसमें ब्रेक्स वगैरह कंसिडर नहीं होते जब, क्योंकि गाड़ी जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ तो वो टाइम कंसिडर नहीं करता, इसलिए सिर्फ जितनी टाइम गाड़ी चलती रही उतना ही टाइम कंसिडर करता है उसमें। तो उसमें हो गया 4 hours 21 minutes, मतलब लगभग साढ़े चार घंटे में 234 किलोमीटर कंप्लीट किया है हमने अभी तक, मतलब स्पीड भी अच्छी खासी चल रही है, डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर हो रहा है। बस अब थोड़ी देर बाद जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो अगर अपने को इस होटल के लिए आना है, देखो दिया आप इतना बड़ा पोस्टर दिख रहा है शिवराज ढाबा 2 मिनट अंतरावर, तो सीन ये है कि अगर ढाबे के लिए आना है ना तो आपको पूल नहीं चलना पड़ेगा, उधर से जब आप आते हो पुणे से आते हो तो पूल चढ़ना नहीं पड़ेगा, पूल से पहले जो सर्विस रोड स्टार्ट होता है वहीं से नीचे उतर जाओ और फिर यहाँ पीछे जो पूल के नीचे से इधर आके राइट में टर्न लेके इधर आना पड़ता है सीधा सीधा। अभी मैं आ रहा था गोवा की साइड से, तो उधर के लिए फिर सर्विस रोड से नीचे उतर के इधर अपना अपना टर्न लेके आ गए। अभी इधर कुछ गर्दी है, कैसा सीन है देखना पड़ेगा, क्योंकि यार एक तो इधर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो देखते हैं। हाँ ठीक ठाक शांति तो जम गया अपना काम, वरना लफड़ा हो जाएगा। ये देखिए देखिए गूगल देखिए गूगल क्या बोल रहा है, और लंबा जाने का ये डी पेंड साला, गूगल सच में पागल है। चलो आ गए हम ढाबा पे, यस सर यस यस, ये इधर है पार्किंग, यस yes.
चलो गाड़ी लगाते हैं अभी। ये रहो, ये रहा वो होटल शिवराज ढाबा। इसका मसूर एक्चुअली बहुत अच्छा मिलता है। मसूर दाल, बैंगन, अपना चंगदाने वाला बैंगन, एक नंबर मिलता है। तो ये भी खाना खाते हैं। आधे घंटे का ब्रेक एंड देन वी विल लीव बैक टू होम। तो ये था आखिरी स्टॉप होटल शिवराज ढाबा, जहाँ पे खाना वगैरह खा लिया अच्छे से मस्त। मसूर दाल, राइस, एक रोटी, खाना बहुत बढ़िया होता है यहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप कभी भी इस रोड से आते हो ना, और गोवा जाने का प्लान है या फिर आगे किधर कोल्हापुर वगैरह भी जाकर जाने का प्लान है, एक बार यहाँ का खाना खा के ट्राई करना भाई लोग, अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा और बाहर फिर से एक बार आने का मन भी करेगा। तो आओ, इंजॉय करो और अपने अपने रास्ते पे निकल जाओ। चलो, अभी मेरा तो टाइम हो चुका है निकलने का, क्योंकि घर पहुंचना है और घर का भी डिस्टेंस बता रहा है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम बता रहा है 2 आवर्स 38 मिनट। यहाँ से अपने को कनेक्ट करना है किधर को भी हाईवे पे, तो निकलते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा घर, वरना घर वाले सो गए तो भाई एंट्री नहीं मिलेगी, वो सीन नहीं करना अपने को, ठीक है? तो निकलते हैं अभी आराम से मस्त रोड पे, और मिलते हैं जब अपन घर पहुंचेंगे तब मिलते हैं डायरेक्ट सीधे सीधा। तब तक के लिए आराम करो मस्त, तो देखते रहो वीडियो, एंजॉय करो। चलो, सी यू अगेन। एंड नाउ आई एम बैक टू पुणे। जस्ट अभी अपना कात्रा टनल क्रॉस हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद, मतलब कितना, अभी 12 मिनट का डिस्टेंस बचा है, अभी जस्ट 8 किलोमीटर बचा है घर जाने का। तो इस अरे रे 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 यार, ये ब्रेकर बहुत गंदे के बेकार चीज़ है। तो यहाँ अपनी राइड एक्चुअली ख़त्म होती है, गोवा राइड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही घर आ जाएगा। तो कुल मिला के राइड का अगर रिस्पॉन्स बताऊँ तो सबसे, जितना मैंने जितने भी बार अब तक गोवा गया, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इस राइड में रहा। ऑल दो ये पहली सोलो राइड थी, तो उसमें बहुत कुछ, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। नाइट राइड कैसे होती है, अकेले हो तो उस टाइम पे आपको कैसे राइड करना है, रास्तों को कैसे देखना है, कैसे सामने वाली आने सामने जो कार चल रही है उसको देख के रास्तों को सेंस करना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप वो देख के नहीं समझ रहे हो कि आगे क्या सीन है रास्ते का, तो फिर आप, क्योंकि सीन क्या होता है ना, सामने एक कार है, अगर वो उसे कुछ होता है, लाइक वो अगर बम्प लेती है, स्पीड बम्प लेती है, तो अपने को समझ आता है कि यार नहीं, आगे बम्प है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो अपने को भी कुछ कुछ भी पैनिक ब्रेकिंग करना हो या फिर कोई सडन एक्शन लेना हो तो अपने को पता चलता है कि आगे क्या सीन है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें समझ में आई, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। आगे देखते हैं अभी कैसे क्या प्लान्स बनते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी राइड में, बहुत से लोग मुझे मिले, बाइक के बारे में पूछा, कहाँ से आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, सारी चीज़ें पूछी, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है। ऑल दो ये सीधी साधी बाइक है, एक्सपोज इतनी कोई बड़ी हाई टूर, बड़ी वाली टूरर तो मशीन नहीं है, बट फिर भी लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है, क्या गाड़ी, क्योंकि दिखती बहुत डिफरेंट है। एक तो इसका लुक बहुत डिफरेंट है, ऊपर से मैंने जो स्टिकरिंग वगैरह की है, कॉस्मेटिक चेंजेस की है। ये ब्रेकर बहुत गंदे आ रहे इधर। तो जो, हाँ, जो स्टिकरिंग वगैरह की है मैंने, जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए है, स्टिकर्स वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं, और उस वजह से लोग ज़्यादातर ज़्यादा करके पूछते हैं, क्योंकि आई कैच ही दिखता है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है लोगों का, अच्छा लगा। एक राइडर को और क्या चीज़ चाहिए, मतलब लोग सामने से आके पूछते हैं आपको, आपके हाल कैसा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। फिर बीच में मुझे एक जगह पे मैं रुका था, जो ढाबे पे जहाँ पे रुका था मैं, वहाँ पे एयर चेक किया, तो लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हम क्या करते क्या नहीं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है राइडर बनने का, जो अभी धीरे धीरे आगे और बढ़ता जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस आता जाएगा, बुरा भी एक्सपीरियंस आएगा, तो उसके लिए तैयार भी रहेंगे। इसलिए तो मैंने एक लाइन लिखी थी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब अच्छी चीज़ की होप रखे रहो हमेशा, ताकि अच्छी चीज़ें होती रहे, और साथ ही साथ वर्स्ट सिचुएशंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, ताकि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो उसमें से वहाँ पैनिक ना करने के बजाय सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करो, ताकि उस सोल्यूशन से, उस सिचुएशन से निकला जाए बाहर, वहाँ पे अटके ना रहे। तो चलते हैं फिर इसी होप के साथ और एक नई उम्मीद के साथ ये ख़त्म करते हैं ये राइड। अभी घर पहुँचेंगे 5-10 मिनट में, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली राइड में। तब तक के लिए देखते रहिए, सारी वीडियोस देखते रहिए, मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं सारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए। बहुत चीज़ें लगी है, बहुत मेहनत भी लगी है इस बार,
क्योंकि एक तो पहली राइड थी और उसमें से पहली राइड का शूट भी हुआ अच्छा खासा, तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को नई नई चीज़ें मिलेंगी। और गोवा ऐसे ऐसे जगहों पर एक्सप्लोर किया है जहाँ ज़्यादातर कोई जाता नहीं है, तो एक नया नज़रिया मिलेगा आपको गोवा के बारे में। एक बहुत सी चीज़ें पता चलेगी कि गोवा में और भी क्या क्या चीज़ें होती है, और जो गोवा में वो सब चीज़ें भी की जो जिसके लिए गोवा जाना जाता है, बीच पे जाके बैठना, आराम से चिल करना। क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो दोपहर का टाइम था वो मोस्टली वहीं पे गया, बीचेस पे गया, क्योंकि दोपहर में इधर उधर घूम नहीं सकते, क्योंकि एक तो धूप, मार्च का महीना है मतलब धूप बहुत ज़्यादा है, तो इधर उधर घूमने का प्लान होता ही नहीं है, पूरा बैंड बज जाती धूप में। तो फिर क्या करने का, तो बीच पे जाओ मस्त एक स्नैक ले लो। उनका एक तो दो सिचुएशन रहती है वहाँ पे, या तो उनको 100 रुपीज़ पर आवर चार्ज देना पड़ता है, या तो फिर अपना फूड वगैरह लोगे तो फिर उसमें वो लोग कवर कर लेते हैं। तो वैसा कर लो, दोपहर को मस्त चिल करो सीधा सीधा बीच पे। तो मॉर्निंग और इवनिंग में आप घूम सकते हो, लेकिन दोपहर में घूमना मैं बोलूँगा यार अवॉइड ही करो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, दर्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थक जाते हो मेंटली भी और फिजिकली भी, तो वो अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। सुबह सुबह निकल लो मस्त, बहुत सी जगह ऐसी है जो मॉर्निंग में बहुत सी ऐसी दिखती है, बहुत से ऐसे स्पॉट से जहाँ पे सनराइज अच्छा दिखता है, बहुत से स्पॉट सनसेट तो हर जगह अच्छा दिखता है, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी बीच पे चले जाओ अच्छे से, या फिर किसी ऐसे स्पॉट पे चले जाओ जहाँ से अच्छा दिखता है, हर जगह आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, वो भी है। तो कुल मिला के बात ये है कि एंजॉय करो अपनी ट्रिप को, इधर उधर टाइम स्पेंड मत करो, अच्छी जगह चूज करो और अच्छी जगह पे टाइम स्पेंड करो। तो भाई अपना अभी टर्न आ चुका है, तो टर्न अभी कहाँ है कहाँ है, तो इधर टर्न दिखता नहीं है जल्दी, मिस कर दिया मिस कर दिया मिस कर दिया मिस कर दिया। तो ये रहा अपना टर्न, यहाँ से अपने को नीचे निकलना है, सर्विस रोड लेना है और अपने अपने घर के लिए निकल जाना है। चलो मिलते हैं फिर अगली राइड के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी लाइफ में सब अच्छे से करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।